लाहौर की जो फर्स्ट एंट्रेंस होगी वो शरकपुर रोड नहीं होगी बल्कि वो ताज कंपनी वाला सगियां वाला रोड होगी और वो मेन गेट होगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रयान मार्केटिंग पे जो रहमान गार्डन फेज़ टू के अंदर लोकेटेड है। फेज़ टू के हवाले से एक मुख्तसर सी डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ देंगे जनाब हुसैन साहब जो रयान मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब जाहिद हुसैन साहब जो होम स्वीट होम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, चेंज क्या हो रहा है और फ्यूचर के हवाले से चीज़ें कौन कौन सी आएंगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इंस्टॉलमेंट के प्लान्स के हवाले से, नॉन पोजेसिव इलाकों के हवाले से, रेट्स के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उस हवाले से, घरों के हवाले से, रेंटल हवाले से, तो ये सारी चीज़ों को हम समअप करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम बात शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त दिया है। तो बताइए हमें कि क्या चल रहा है रहमान गार्डन फेज टू में। जैसा कि अवैस भाई आपको मालूम है कि रियल स्टेट की मार्केट में अर्रहमान गार्डन फेज़ टू एक लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है और यहाँ पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह जो रेजिडेंशियल्स हैं और कमर्शियल्स हैं वो बूस्ट अप होते ही होते हैं, ठीक है। और आफ्टर दैट ये है कि यहाँ पे जो कंपनी इंस्टॉलमेंट प्लान जो निकालती है वो तीन मल्ला में निकाले हैं, एन ब्लॉक में, और बिफोर वन ईयर बैक चले जाएँ तो जो है ना एल ब्लॉक के अंदर जो है ना 5 मल्ला, 6 मल्ला और 10 मल्ला के रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे निकालते हैं। अगर हम बात अच्छा करें। मैं ये पूछना चाहूँगा कि रेट्स का क्या, अगर हम एक साल पहले के रेट्स देखें और आज के देखें कितना को डिफरेंस आया यहाँ पे। ऑब्वियसली अगर बात की जाए प्रीवियस की वहाँ पे था 10 लाख, 10.5 लाख रेट था, अभी जो कंपनी रेट दे रही है वो कम अज़ कम 11.5-12 लाख रुपये दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो पुराने प्लॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बूस्ट करके 2 लाख पर मल्ला। घरों की प्राइसेस में क्या चेंज? घरों की प्राइसेस में ये चेंज आ रहा है कि यहाँ पे जो है ना वो जो 3 मल्ले का घर है वो 1+1 करोड़+ मिलता है। 3 मल्ले? 3 मल्ले का न्यू घर जो है, ठीक है। और जो अगर बात करें 6 महीने या 1 साल पहले तो वो घर था 85 और 90 के। कमर्शियल्स की सूरत हाल देखी जाए तो जो हमारा मेन बुलेवर्ड गेट 1 नंबर है वहाँ पे 200 स्क्वेयर का फिर जो कमर्शियल है वो 1 करोड़+ मिलता है 200 स्क्वेयर फिट का, ठीक है। और जो आगे डी ब्लॉक जो है हमारा वहाँ पे जो है ना वो 300 स्क्वेयर फिट का वो 1.5 करोड़ के पास मिलता है। और जो 4 मल्ले कमर्शियल जो नाम है हसन कमर्शियल जहाँ पे 4 मल्ले कमर्शियल है वहाँ पे जो है ना वो 2 करोड़+ जो है ना वो कमर्शियल 4 मल्ले का ऑन ग्राउंड कमर्शियल विद एवरीथिंग। नॉन पोजेसिव इलाके बहुत ज्यादा थे पहले, कंपनी चूंकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम कर रही होती है तो उन्होंने एकदम ब्लॉक नहीं करने होते हैं, मैप के अंदर चीजें डालनी होती हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका वैस भाई। इसमें जो नॉन पोजेशन एरियाज होते हैं वो हर सोसाइटी में जो है ना वो नॉन पोजेशन होते हैं। आफ्टर दैट जब सोसाइटी बूस्ट करती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो पोजेशन हो के लोग कंपनी में जो है ना कंपनी प्लॉट देती है पोजेशन करके। तो जो मौजूदा रेट चल रहा होता है जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो है ना एल ब्लॉक का पोजेशन आया था 9 लाख 60 हज़ार पर मल्ला पिछले साल, राइट नाउ जो रेट है वो 14 लाख पर मल्ला के हिसाब से है अभी जो रेट है, ठीक है ना। तो जिन्होंने साल पहले 9 लाख 60 हज़ार पर मल्ला के हिसाब से लिए हैं अभी 14 लाख पर मल्ला के हिसाब से वो सेल कर रहे हैं और उनको 5 लाख प्रॉफिट पर मल्ला के हिसाब से हो रहा है ए वन विद इन अ ईयर। तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि नॉन पोजेशन। अच्छा, घरों की प्राइसेस, प्लॉट्स की प्राइसेस क्या है, इस हवाले से हम एक क्वेश्चन अगेन करेंगे, लेकिन एमिनिटीज़ के हवाले से ऑलरेडी भी काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे शेप्स कम्युनिटी क्लब है, यहाँ पे स्कूल्स है, पंजाब स्कूल है, पंजाब कॉलेज है, ए आर हॉस्पिटल है, डिफरेंट किस्म इवन कि इनका अपना पेट्रोल पम्प है, अपने शादी हाल है, बैंक्स है, दूसरी चीज़ें हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, KFC अभी यहाँ पे आ रहा है और बहुत सारी कमर्शियल साइट्स आ रही हैं, जॉयलैंड आ रहा है, पार्क्स हैं, डिफरेंट किस्म के मस्जिद हैं, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, फ्यूचर के अंदर भी आ रही हैं। और शरकपुर रोड का इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि इसके नज़दीक नज़दीक भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, 12-13 हज़ार घर मौजूद हैं, फैमिलीज रह रही हैं और इससे कई गुना ज़्यादा प्लॉट्स मौजूद है। तो आइए हम प्राइसेस के हवाले से पूछते हैं हुसैन भाई, प्राइसेस क्या चल रही है? 3 मल्ला का लेट्स घर है कितने का मिल जाएगा, 5 का कितने का मिल जाएगा? 100 यहाँ पे जो रेजिडेंशियल कैटेगरी है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मल्ला की कैटेगरी मौजूद है, कनाल के प्लॉट भी अवेलेबल है, घर मौजूद है। इसमें जो मिनिमम 3 मल्ले का जो ब्रांड न्यू घर है वो है 90 लाख से लेके 1 करोड़+, ठीक है। ये न्यू हाउस की डिमांड है जो हो रही है राइट नाउ। आफ्टर दैट जो 4 मल्ले का घर है वो मिलता है 1.20 से 1.30 के मिड में,
ठीक है, जो 5 मरले का घर है वो 150 से 175 के मिनट में जो है ना वो मिलता है। अच्छा घर इंस्टॉलमेंट पे है यहाँ पे? घर इंस्टॉलमेंट पे कोई नहीं है, प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट अवेलेबल। प्लॉट्स की क्या सिचुएशन है? प्लॉट्स की इंस्टॉलमेंट पे बहुत अच्छा वेरिएशन है, कस्टमर बहुत डिमांडिंग है इधर। हाँ, बहुत ज्यादा कस्टमर से पूछते हैं, इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है यहां पे। 3 मरला की कैटेगरी में इंस्टॉलमेंट एन ब्लॉक में जो भी नहीं कटिंग आई, 12 लाख पर मरला के साथ। 5 मरला की किस? 5 मरला पे जो प्लॉट वो भी एन ब्लॉक में भी डील आई है। एन ब्लॉक में 3 मरला इंस्टॉलमेंट के प्लान्स एन ब्लॉक में, एन ब्लॉक में और एल ब्लॉक में। एल ब्लॉक में भी चल रहा है, जे में भी है, जे में भी है, ठीक है ना। तो आई ब्लॉक, आई ब्लॉक में भी है। अच्छा, इसका कोई कहा जा रहा है कि नया रास्ता दिया जा रहा है ताज कंपनी के पास से, कोई एंट्री, कोई लैंड शैंड एक्वायर कर रहे हैं, कैसा सही? इसमें ये जो न्यूज है ये बिल्कुल सच है। अच्छा? और हाँ, ये और जो हसरत कमर्शियल जहाँ पे खत्म हो रहा है अभी, उसके आगे मूव आउट जो है ना जगह उन्होंने परचेज कर ली हुई है, और बिफोर 1 ईयर वो कमर्शियल सेल भी हो चुके हुए हैं, नॉन पोजेशन एरिया में कमर्शियल सेल हो चुके हुए हैं, तो उसका भी जो है ना रेट बूस्ट हो रहा है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह फ्यूचर में इलेक्शंस के बाद इंशाल्लाह ये जो है ना जगह पूरी इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। और सो नॉन पोजेसिव इलाके के अंदर कमर्शियल्स जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। आप लोग कहते हैं कि यार नॉन पोजेशन है, पोजेशन है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूं, चलो भाई ने बताया कि जिसका जो गेट नंबर 4 है उसकी एक्सेस दी जा रही है जो ताज कंपनी वाला रोड है वहाँ पे, और फिर लाहौर की जो फर्स्ट एंट्रेंस होगी वो शरकपुर रोड नहीं होगी बल्कि वो ताज कंपनी वाला सगियाँ वाला रोड होगी और वो मेन गेट होगा। तो रहमान गार्डन्स फेस 2 के हवाले से ये एक मुख्तसर सी इंस्टेंट वीडियो थी हुसैन भाई से के साथ। खैर उनके बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, और जहाँ जेब साहब बैठे हुए हैं, दानिश साहब बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह एक पूरी टीम है जो यार रयान मार्केटिंग से फेस 2 को रिप्रेजेंट कर रही होती है और आपके सामने चीज़ें रख रही होती है। सो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप किसी भी किस्म की बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।